नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को आज यानी कि 6 मार्च को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है और आज का दिन किसान काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसे में अब किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष चलेगा और हम जीतेंगे। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का चेहरा माने जाने वाले राकेश टिकैत ने शनिवार सुबह एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, किसान संघर्ष के 100 दिन, समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े होने वाले किसानों का आभार भी जताया। आपको बता दें, किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर किसान कुंडली मानेसर पलवल यानी कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे के लिए नाकाबंदी कर रहे हैं। ये नाकाबंदी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। किसानों का कहना है कि काला दिवस के दिन एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा भी फ्री कराएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछले साल 26 नवंबर से ही किसान हजारों की संख्या में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसानों और सरकार में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।